भाई साहब, वक्त और हालात बदलने में वक्त नहीं लगता है। जो अभी तक डर डर के जी रहा था वो राज करेगा, और जो राज कर रहा था वो अब डर डर के जिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्जापुर सीजन 3। जो अभी हम सीजन 2 तक देख कर आ चुके थे कि भैया जहाँ जिसका दबदबा था अब वो छुप छुप के जिएगा, और जिसका दबदबा नहीं बनना था उसने अपना दबदबा बना डाला है। गुड्डू पंडित एक अलग ही अतरंगी मिजाज में देखने को मिल रहा है, जहाँ वो नौटी भी हो रहा है। तो भाई मिर्जापुर सीजन 3 इसका अनाउंसमेंट फिलहाल हो चुका है, कब आएगा फिलहाल डेट कोई रिवील आउट नहीं हुई है। अमेजॉन प्राइम वालों ने अपना बहुमूल्य जितना भी खजाना है सब जनता के सामने रखा है, जिसमें से 3 जो हीरे हैं इसके नगीना, मिर्जापुर सीजन 3 एंड पंचायत का लेटेस्ट सिक्वल एंड पाताल लोक, जो जिसके लिए मैं लिटरली बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। और मोहब्बत और जान तो हमारी मिर्जापुर है, क्योंकि जब से ये वेब सीरीज आई थी और वेब सीरीज का अलग ही अंदाज इंडियन सिनेमा में दौड़ चुका था, बहुत से लोगों ने उसे देखकर ही वेब सीरीज का इंटरेस्ट अपने अंदर जनरेट नहीं किया, अपने अंदर घुसा डाला था। एक ऐसी वेब सीरीज जहां पर ऐसे जो किरदार थे वो अपने नाम से नहीं भाई, अपने किरदार के नाम से जाने जा रहे थे। गुड्डू पंडित को कौन भूल सकता है, गुड्डू भैया, बबलू भैया को कौन भूल सकता है, देन दिव्यंदु मुन्ना भैया को कौन भूल सकता है, पंकज त्रिपाठी जो पहले से ही फेमस थे, लेकिन कालीन भैया का जब नाम आता है एवरीवन नोज कि ये बंदा कौन है। देन उसके बाद बाबूजी, देन उसके बाद शरद, और जिसने हिंदी व्याकरण में अवा का ख सब सिखा दिया वो हमारे रति शंकर भैया। और तो भाई इसकी और ही क्या तारीफ करूं, एवरीवन नोज। लेकिन ग्लिम्स आया है भाई, दमदार आया है। गुड्डू पंडित की एंट्री दिखा रखी है, देन उसके बाद कालीन भैया की एंट्री दिखा रखी है। शरद शुक्ला रति शंकर की औलाद, जानते ही होंगे, जो अवा का ख नहीं सुना पाया था किसको, गुड्डू पंडित को, तो धर दिए थे वहीं पे। तो उसकी अलग लाइब्रेरी चलने वाली है, किसके साथ, गुड्डू भैया के साथ। देन उसके बाद कालीन भैया की औलाद को तो मार ही डाला है किसने, मुन्ना भैया को मार डाला किसने, अपने गुड्डू पंडित ने, क्योंकि अलग लाइब्रेरी वहां चल रही थी। न्यू रायबेलरी फिर जन्म ले रही है, और इस टाइम गुड्डू पंडित हो चुका है मिर्जापुर का किंग। तो भैया ये दोनों एक साथ जुड़ के इसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ, अपने गुड्डू भैया के साथ। और भी बहुत कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है भाई, अपनी मुन्ना भैया की बीवी वो अलग पॉलिटिकल अंदाज में, क्योंकि वो सीएम बन चुकी हैं, वो अलग अंदाज में चल रही हैं। देन उसके बाद गजगामिनी का भी अलग रूप देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ मिर्जापुर सीजन 3 में देखने को मिलने वाला है, और सारी उंगली सिर्फ एक ही आदमी की तरफ है, गुड्डू भैया की तरफ, और सबकी नज़र भी उसी के लिए है कि भाई क्या चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। और वो चेंजेस बहुत बखूबी देखने को मिल रहे हैं, मिर्जापुर की गद्दी पर वो राज कर रहे हैं। देन उसके बाद एंग्री यंग मैन तो वो थे ही भाई, नॉटी भी हो रहे हैं, बीना भाभी का हाथ पकड़ रखा है और वो भी मालिश कराना चाहते हैं शायद। तो भाई साहब लोगों ने 3 साल वेट किया है इसके लिए, क्योंकि मिर्जापुर सीजन 2 3 साल पहले आया था, और इसके थर्ड पार्ट के लिए बहुत एक्साइटमेंट तो था ही भाई, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ें हमें देखने को मिली, मुन्ना भैया को कैसे गुड्डू भैया ने मारा है, देन उसके बाद मिर्जापुर की गद्दी में कैसे वो राज करेगा, जब वो चीज़ें उसके हाथ में आ चुकी हैं, क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू ये होने वाली है कि भाई ठीक है जैसे तैसे आपने वो गद्दी जीत तो ली है, लेकिन उस गद्दी में आप रूल कैसे करोगे, राज कैसे करोगे, क्योंकि मेंटेन करके रखना किसी भी चीज़ को भाई सबसे भारी काम होता है। और इस टास्क के लिए लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि गुड्डू भैया कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। एक तो वो अपनी गद्दी को बचा के रखना भी चाहेगा, दूसरा जो इतने सारे दुश्मन उसके ऊपर टूटेंगे भाई, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चारों तरफ से उसके ऊपर वार सोएंगे। अलग से टीजर हो सकता है इसके लिए आ जाए अगले महीने ही। लोडू ललित को कौन याद कर रहा है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।